दोस्तों, आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार्स, मोबाइल से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज जिस भारत को हम देखते हैं वो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहन सहन और खाना आज से सब कुछ बिल्कुल अलग हुआ करता था। और आज के इस वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश भारत आज से हजार साल पहले कैसा लगता था और उस दौर के लोगों की जिंदगी कैसे थे। दोस्तों, उस दौर की यादों को एक बार फिर से जीने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत एरिया में काफी बड़ा देश है, लेकिन हजार साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते हजार साल में भारत देश ने विभाजन के कई तंत्र सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए और आज वो इलाके अपनी एक अलग देश की पहचान बनाकर दुनिया के अस्तित्व में है। लेकिन हजार साल पहले ऐसा नहीं था। हजार साल पहले भारत का मतलब था सिर्फ भारत, यानी कि पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसीलिए पहले मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पे अपनी नजरें जमाई और यहाँ राज किया। दोस्तों, भारत वैसे तो हजार साल पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी विशाल था, लेकिन उसकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थे, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाते थे, क्योंकि हजार साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानी जाते थे। उस वक्त भारतीय लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करते थे। दोस्तों, अगर बात करें उस समय के घरों और मकानों की, तो उस दौर में सभी लोगों के मकान बिल्कुल कच्चे हुआ करते थे। कुछ घरों को घास फूस और लकड़ी की मदद से बनाया जाता था, तो कुछ घरों में मिट्टी की ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वो कच्चे मकान भी काफी मजबूत हुआ करते थे, जो भारी से भारी भूकंपों को भी आसानी से सह लेते थे। लेकिन आज के घर देखे जाएं तो सीमेंट से बने होने के बावजूद भी इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन आज से हजार साल पहले के घर सैकड़ों सालों तक वैसे के वैसे बने रहते थे, जबकि उस समय लोग सीमेंट के बारे में भी नहीं जानते थे। दोस्तों, उस समय एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही घूम फिर पाता था। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या तो घोड़ा था या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यम से हमारा बहुत ज्यादा दूर तक यात्रा करना संभव नहीं है। इसकी दूसरी वजह थी जरूरत, जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करते थे और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करते थे। इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर की यात्रा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होते थे। फिर देश में एक ऐसा टाइम पीरियड भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासक नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश में मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के लास्ट में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और उन्होंने भी अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में किंगडम्स पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश कुछ ऐसे राजघराने थे जो कुछ हद तक ताकतवर थे। इसके अलावा पूरा देश कई छोटे छोटे शासकों तक ही सीमित था। हिंदू शासक उस समय पूरे देश में शासन करने का सपना नहीं देखते थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 11वीं सदी के आखिर में पृथ्वीराज चौहान, जो कि दिल्ली की राजगद्दी में बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया और उन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दमन का इतिहास भी शुरू हो गया, ये कहना गलत नहीं होगा। उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथ में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत मायने रखता था, क्योंकि इधर की भूमि बहुत उपजाऊ तो थी, साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल ईस्ट एशिया से जोड़ता था। इसलिए हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पे राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ व्यापार का भी केंद्र था। दोस्तों, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो आपने सुनी होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था वो कारण भी आज आप जान ही लीजिए। असल में आज से हजार साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। आज हम जीडीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पे चीन से पीछे है। चाहे एक्सपोर्ट की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामलों में चीन हमसे काफी आगे दिखाई देता है, लेकिन आज से हजार साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा कि आज से हजार साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीजों में 30% सर्विसेज का एक्सपोर्ट भारत करता था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत दुनिया भर में सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले और खाने पीने की चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था।
भारत विशेष रूप से मसालों के लिए बहुत फेमस था। यहाँ तरह तरह के मसाले मिल जाते थे। तभी तो यूरोपीय देशों में भारत के बारे में आज भी कहा जाता है कि हम भारतीय बहुत ही मसालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, बल्कि हम बहुत पुराने वक्त से मसालों का उपयोग करते आ रहे हैं। या यूं कहें कि मसालों के जनक हम ही हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, अगर 1000 साल पहले लोगों की जीवन शैली के बारे में बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए कुल आबादी के 10% लोग ही उस समय शहरों में रहते थे, बाकी 90% लोग गांव में ही रहा करते थे। गांव की जीवन शैली बहुत ही सरल थी, अधिकतर लोग खेती पे ही निर्भर करते थे। इसलिए हर गांव में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक होता था। जिन गांव में प्राकृतिक रूप से तालाब बने हुए थे, वहां पर तो कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन ऐसे गांव जहां तालाब नहीं थे, वहां तालाब खुदवाए जाते थे ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सके। खेतों की सिंचाई के लिए किसान मुख्य रूप से बरसात के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे। हर गांव अपने आप में बहुत ही खास हुआ करता था। उस जमाने में शायद ही कोई ऐसा गांव रहा हो जहां पर कोई मंदिर ना हो। गांव में एक आम मंदिर होने के साथ साथ कुलदेवी का मंदिर भी जरूर हुआ करता था, जिसके बारे में लोगों की मान्यताएं रहती थी कि वो गांव की देवी हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। दोस्तों, 1000 साल पहले भी बाजार हुआ करते थे, लेकिन वो बाजार आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। उसमें बस कुछ जरूरत की चीजें मिला करते थे। लोग दुकान भी लगाते थे, लेकिन उन दुकानों में अधिकतर कपड़े, खाने की चीजें, मसाले, इत्र और पूजा की सामग्री आदि ही मिला करते थे। उस जमाने में मुद्रा का भी चलन था। लोग सामान खरीदने के बदले मुद्रा दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुद्रा नहीं हो तो लोग सामान नहीं खरीद सकते थे। मुद्रा की जगह कुछ और चीज देकर भी सामान खरीदा जा सकता था, जैसे कपड़े खरीदने के लिए गेहूं, फल के लिए चावल आदि देकर भी लोग सामान खरीद लेते थे। दोस्तों, उस दौर में न्याय व्यवस्था पंचों के हाथ में होते थे। वैसे तो उस समय में हर गांव किसी न किसी राजा के अधीन होता था, लेकिन गांव की हर एक समस्या राजा तक नहीं पहुंचते थे। उसका समाधान गांव में ही पंचों द्वारा किया जाता था। पंच आमतौर पर वही बनते थे जिनका गांव में कुछ रुतबा होता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उस दौर में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते थे, इसलिए लोग कृषि पे ही ज्यादा निर्भर थे। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाते थे। वहीं अगर कोई कारीगर है तो वो अपने बच्चे को कारीगरी सिखाता था। अगर कोई चित्रकार है तो वो अपने बच्चे को वही काम सिखाता था। दोस्तों, उस दौर की शिक्षा व्यवस्था भी गुरुकुल के माध्यम से ही संचालित होते थे। गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और विभिन्न विषयों पर शिक्षा अर्जित करते थे। विद्यार्थी न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के कई मुल्कों से भी आते थे। दोस्तों, आज की तरह उस वक्त भी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हुआ करते थे और उसे उतनी ही धूमधाम से कराया जाता था। हर गांव का ये रिवाज था कि एक ही गांव में एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी। शादी का कार्यक्रम आज की तरह एक या दो दिन में नहीं समाप्त होता था, बल्कि 1000 साल पहले की शादियां 7 से 10 दिनों तक चलती थीं। बारात का आना और बारात की मेजबानी करने में ही 4 से 5 दिन लग जाया करते थे। और आज की तरह नहीं था कि जिसके घर में शादी है बस उसी के लिए उत्सव हो। किसी की भी शादी होने पर पूरा गांव बहुत ही उत्साहित होता था, मानो इन्हीं के घर बारात आ रही हो और उनके ही पुत्र पुत्री की शादी होने वाली हो। उस दौर में कारखाने आदि नहीं हुआ करते थे। यही कारण था कि तब के लोग वायु प्रदूषण जैसी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। दोस्तों, आज से 1000 साल पहले का भारत कुछ इस तरह था। हाँ, चुनौतियां काफी सारी थीं, लेकिन लोगों में जिंदा दिले थे। लोग तब जिंदगी को इतनी खुली मानसिकता के साथ जीते थे जितना आज नहीं जी पाते। तो दोस्तों, आपकी नजर में कौन सा भारत अच्छा था, 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत? और आप किस भारत में रहना चाहेंगे, 1000 साल पहले के या आज के? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और डेली ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।